So welcome to this workshop on quantitative fund modeling. इस वर्कशॉप में हमारे पास 34 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग्स करने वाले हैं, बिकॉज दे हैव देयर ऑफिस क्लैशिंग विद द क्लासेस, राइट? तो आज अपने फर्स्ट सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेशन, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं. ये प्रोग्राम में जो हमारी क्लासेस होंगी, दैट विल बी ऑन सैटरडे संडे, दोनों वीकेंड पे होंगी, और उसके अलावा एवरी ऑल्टरनेट डेट. तो आपका उसके बाद ट्यूसडे हो गया, देन उसके बाद थर्सडे हो गया, देन उसके बाद सैटरडे हो गया, एंड सो ऑन. तो एवरी ऑल्टरनेट डे इन द वीकडेज एंड देन वीकेंड, बोथ द वीकेंड्स, ऐसे क्लासेस रहने वाली है. अराउंड 12 मॉड्यूल्स हैं जो मैंने प्लान किए हैं इसमें. तो 12 sessions, that is 24 hours में ये training complete हो जानी चाहिए, right? इस training का जो भी material है, जो भी assignments हैं, जो भी quizzes हैं, वो सारी website में upload की जाएंगी. तो आप सब ने हमारी website देखी है, www.peaks2tails.com, right? तो इस website में आपको सारी details मिल जाएंगी, सारा का सारा जो class notes हैं, ठीक है, क्लास नोट्स आपकी हो गई, आपकी वर्कबुक्स हो गई, एक्सेल शीट्स हो गई, असाइनमेंट्स हो गई. मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास का अपलोड कर दिया है. क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग हैज बीन अपलोडेड इन द कोर्स सेक्शन. तो आपको माय पैकेजेस में जाना है, अपने वेबसाइट में लॉग इन करके माय पैकेजेस में जाके आपको QFM पे क्लिक करना है, एंड यू विल सी ऑल द थिंग्स, क्लास नोट्स, वर्कबुक्स, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्विज, सब आपको एक जगह पे मिलने वाला है, राइट? तो जो मैं सेशन अभी कर रहा हूँ उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड उसका रिकॉर्डिंग्स आपको प्लेयर पे प्ले करना है. वो प्लेयर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? इन द वीडियो सेक्शन. वीडियो सेक्शन में जाके आपको प्लेयर डाउनलोड करना है, राइट? ये प्लेयर का लिंक अभी आ जाएगा. एज सून एज आई पुट एनी वीडियो, तो यहाँ पे एक प्लेयर का लिंक आपको दिखाना शुरू हो जाएगा. जैसे ही मैं पहला वीडियो डालूंगा, तो वो प्लेयर डाउनलोड करके आप उस वीडियोस को प्ले कर पाओगे. द एक्सेस टू द रिकॉर्डिंग्स इज फॉर लाइफ टाइम, देयर इज नो लिमिटेशन, राइट? एंड द एक्सेस टू द वेबसाइट इज आल्सो फॉर लाइफ टाइम. तो सारे के सारे नोट्स, एक्सेल शीट्स, असाइनमेंट्स, क्विजेस, सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द टॉपिक, मैं इस क्लास के लिए इस प्रेजेंटेशन को यूज करूंगा. ये प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोला, ऑलरेडी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिया है. दिस प्रेजेंटेशन contains all the 12 modules, सारे के सारे 12 modules क्या description इस presentation में जो मैं use करने वाला हूँ. And I will be using some Excel sheets, वो Excel sheet भी वहाँ पे डाल दी गई है. उसके अलावा आपको इस program में मेरे साथ Excel sheet बनानी होगी, right? This is a totally hands-on program, तो आपको Excel sheets मेरे साथ create करनी है from scratch. मैं आपको शुरू में अपना बना हुआ पूरा मॉडल नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सारी Excel sheets मेरे साथ बनाओ. हाँ, कुछ कंफ्यूजन आएंगी, उसके लिए आप मेरे वाले एक्सेल शीट्स को रेफर कर सकते हो, राइट? ये टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक इज क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग. क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग, क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग होता क्या है? बेसिकली एज अ फंड मैनेजर, अगर आप एक फंड मैनेजर हो और आप लोगों का पैसा मैनेज करते हो, आइदर आप एक म्यूचुअल फंड के मैनेजर हो, या आप एक पेंशन फंड के मैनेजर हो, या आप एक हेज फंड के मैनेजर हो, जो भी फंड मैनेजर आप हो, उस केस में आपको करना क्या है? लोगों के पैसे को मैनेज करना है, राइट? इसका मतलब आपको अलग अलग एसेट्स में एलोकेट करना है फंड्स को, जो फंड्स आपको लोगों ने प्रोवाइड किए हैं. आइदर कोई स्पॉन्सर ने प्रोवाइड किया फंड स्पॉन्सर, पेंशन फंड स्पॉन्सर, या कोई म्यूचुअल फंड आप हैंडल करते हो, या कोई आप हेज फंड हैंडल करते हो. तो उस केस में आपको जो पैसा आपको मिलेगा, या तो एम्प्लॉयर के द्वारा या क्लाइंट्स के द्वारा, उस पैसे को आपको अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट करना है. वो एलोकेट करते वक्त मुझे बताना आप किस चीज को मैक्सिमाइज करना चाहोगे, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना चाहोगे. बट क्या खाली रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? इसमें क्या कमी है अगर मैं बोलता हूं कि हमारा एसेट एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि हम रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें? इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपका फोकस सिर्फ रिटर्न्स पे आ रहा है. तो उस केस में यू कैन टेक अनड्यू रिस्क. आप सारा पैसा क्रिप्टोज में डाल दोगे, क्रिप्टोज में अगर आप सारा पैसा डालोगे, तो उस केस में आपका रिटर्न्स तो नो डाउट मैक्सिमाइज हो सकता है, बट आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा है.
और हर एक फंड की कुछ ना कुछ डिफाइंड लाइबिलिटीज होती है, हर एक फंड की लाइबिलिटीज होती है, राइट। जैसे कि मुझे बताओ एक पेंशन फंड की लाइबिलिटी क्या होती है, पेंशन फंड की लाइबिलिटी क्या होती है? आपने सबने पेंशन फंड के बारे में सुना होगा। पेंशन फंड में एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज के बिहाफ पे, राइट, ताकि रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयज को पेंशन मिल सके। तो उस केस में पेंशन फंड में लाइबिलिटी क्या है जो एम्प्लॉयज को पे करना है आफ्टर रिटायरमेंट? यस और नो? एम्प्लॉयज को जो पे करना है आफ्टर रिटायरमेंट, दैट इज द लाइबिलिटी फॉर अ पेंशन फंड। अच्छा, अगर आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, उसमें किसी क्लाइंट का आईपीएस आप बनाते हैं, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो स्टेटमेंट, तो उसका कुछ डिफाइंड लाइबिलिटी होगा कि मुझे 10 साल के बाद पैसा चाहिए, मुझे अपने सन को कॉलेज भेजना है, राइट, या मुझे 15 साल के बाद इतना पैसा चाहिए बिकॉज मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। तो एक सिंपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी क्या क्लाइंट की कोई लाइबिलिटी होगी? डेफिनेटली होगी, होगी ना। कुछ रेकरिंग कैश फ्लो नीड्स भी हो सकती हैं कि हर एक साल हमें इतना इतना कैश फ्लो निकालना है घूमने के लिए या इस पर्पस के लिए, वो पर्पस आपको मेंशन करेगा क्लाइंट, और हमें 10 ईयर्स के बाद एक बड़ा पैसा निकालना है बिकॉज हमें अपने बेटे को कॉलेज भेजना है बाहर, आउट ऑफ इंडिया, और 15 साल बाद हमें और बड़ा पैसा निकालना है बिकॉज हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। तो हर एक तरह के फंड में कुछ डिफाइंड लाइबिलिटीज होती हैं। पेंशन फंड में बाय नेचर डिफाइंड लाइबिलिटी क्या है? जो इम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद पैसा वापस करना है, इम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देनी है, राइट। एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका लाइबिलिटी क्या है? जो क्लाइंट को पैसा चाहिए अपने बेटे की शादी के लिए, सॉरी बेटे की बेटे के कॉलेज के लिए या बेटी की शादी के लिए, राइट। तो अगर मैं खाली रिटर्न्स पे फोकस करूंगा तो मैंने ये वाला एंगल तो छोड़ ही दिया कि मुझे लाइबिलिटीज को भी मीट करना है, राइट। मैंने ये वाला एंगल पूरा छोड़ दिया कि मैंने मेरे को लाइबिलिटीज को मीट करना है। लेट्स टॉक अबाउट पेंशन फंड, बिकॉज पेंशन फंड में चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। पेंशन फंड में हर एक टाइम पे, हर एक ईयर में कोई ना कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज 10 साल बाद रिटायर होंगे। क्या हर एक साल में कोई ना कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है? यस। इसका मतलब जैसी एक एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको पेंशन देना चालू करना है, और उधर से हमारा एसेट्स चल रहा है, तो एसेट्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? पेंशन की लाइबिलिटीज को मीट करेंगे, राइट। अगर मैं एक पेंशन फंड की बात करूं, जो पेंशन फंड का मैनेजर होगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम इस तरीके से एसेट एलोकेशन करें, इस तरीके से अलग अलग एसेट्स में पैसा डालें कि रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो, रिटर्न्स ऑप्टिमाइज हो। बट खाली रिटर्न्स ऑप्टिमाइज करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा बोलो? सेकंड ऑब्जेक्टिव होगा कि हम सारी लाइबिलिटीज को मीट कर पाए। वी शुड बी एबल टू मीट ऑल द लाइबिलिटीज। कौन सी लाइबिलिटीज? हर एक साल में कोई ना कोई पूल ऑफ एम्प्लॉयज रिटायर कर रहा है, जैसी वो रिटायर करेगा उनको हमें पेंशन बेनिफिट देना शुरू करना है, वो लाइबिलिटीज का बात हो रहा है, वो आपको मीट भी करना है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि रिटर्न्स तो मैक्सिमाइज हो रहा है बट लाइबिलिटीज टाइम पे मीट नहीं हो पा रही, राइट। रिटर्न्स आएगा लेकिन आएगा 10 साल बाद, और लाइबिलिटी 1 साल बाद खड़ा है, राइट। तो आपको रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना है बट एट द सेम टाइम आपको लाइबिलिटीज को भी मीट करना है। हर एक फंड मैनेजर का ये रोल होता है कि उसको एसेट्स को अच्छे से ग्रो करना है बट एट द सेम टाइम जो भी लाइबिलिटीज है उनको मीट करना है। जैसे मुझे बताओ म्यूचुअल फंड में क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं? म्यूचुअल फंड में क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं? म्यूचुअल फंड में लाइबिलिटीज नहीं होंगी बट म्यूचुअल फंड्स में विड्रॉल्स होंगे, एक्सपेक्टेड विड्रॉल, राइट। म्यूचुअल फंड में क्या एक्सपेक्टेड विड्रॉल नहीं होगा? होगा कि इस टाइम पे लोग म्यूचुअल फंड से निकलेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे, तो वो निकालते वक्त भी तो आपका फंड अच्छा रिटर्न देना चाहिए। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट, एक्सीलेंट, राइट। तो म्यूचुअल फंड में लाइबिलिटी की जगह आप बोल सकते हो लाइबिलिटी इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट यस द करेक्ट वर्ड इज पीपल विल एग्जिट आउट ऑफ द म्यूचुअल फंड, दे विल विड्रॉ। तो उस केस में वो विड्रॉल नीड्स आपको मीट करनी है। इन एनी केस यू हैव वन साइड विच इज द एसेट साइड एंड वन साइड विच इज द लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड इज द साइड जो आपको रिटर्न कमा के देगा, जो आपके एसेट्स को ग्रो करके देगा, एंड लाइबिलिटी साइड इज द साइड जहां पे आपको पे बैक करना है, या तो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को, या आपको पेंशन बेनिफिट्स पे करने हैं, या आपको
बच्चे की शादी के लिए पे करना है, बच्चे के लिए कॉलेज के लिए पे करना है, जो मर्जी हो, यू हैव टू साइड्स इन ऑल द फंड मैनेजमेंट केसेस। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि ये फंड मैनेजमेंट स्किल्स कैसे डेवलप करें हम लोग कैसे क्वांटिटेटिवली ये दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट करें, मतलब रिटर्न्स को भी अच्छे से ग्रो करना है, एट द सेम टाइम सारी लायबिलिटीज को भी मीट करना है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू लर्न हाउ टू बैलेंस दीज टू साइड्स, दैट इज टू ग्रो द एसेट्स, टू गेट गुड रिटर्न्स ऑन एसेट्स, एट द सेम टाइम टू मीट ऑल द लायबिलिटीज। एंड इट इज नीडलेस टू से एवरीथिंग इज स्टैंडिंग इन फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। सब कुछ कहाँ खड़ा है? फ्यूचर में, और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन। तभी तो नाम क्या है? मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब प्रिडिक्शंस करना, फोरकास्ट करना। आज खड़े होके आप एक अनुमान लगा रहे हो कि ऐसे ऐसे लायबिलिटीज आएगा और ऐसे ऐसे एसेट ग्रो होगा, तो आपको चेक करना है वो एसेट अच्छे से ग्रो हो और सारी लायबिलिटीज को हम लोग मीट कर पाए, राइट? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, टू लर्न टू बैलेंस बोथ द साइड्स। एंड ये स्किल करते वक्त आपको बहुत सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर होंगे, ठीक है? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी असाइनमेंट्स रहने वाली है। मैंने फर्स्ट क्लास की असाइनमेंट ऑलरेडी डाल दी है। असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के बाद एक आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का, जिसका पासिंग मार्क्स इज 80%। 80% अगर आपका नहीं आता तो आपको दूसरा टेस्ट देना होगा। एंड सारा पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑब्वियसली प्लेसमेंट असिस्टेंस नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोग्राम, बट I am assuming you have some finance certification, suppose CFA or CA or FRM, and then you are doing this extra program, right? Because standalone, this program will not lead you to a job. I am very straightforward in that aspect. But yes, if you have a finance certification and you are combining this with this knowledge, I will help you in placement. Is that clear? Is the agenda of the program clear? Sabko clear hai ye? Right, excellent. Ye program, although मैं PPTs में run कर सकता हूँ, but मैंने जब इसको देखा तो थोड़ा सा complex है, because इसमें quantitative techniques involved हैं, and बहुत सारे लोग जब इसका recorded sessions देखेंगे तो उनके पास उतना quants का background नहीं है, तो I have decided to keep it traditional style, मतलब जहाँ पे मैं थोड़ी सी dictation करूँगा, Excel पे model बनवाऊँगा, आपको time दूँगा ताकि आप मेरे साथ Excel पे model बनाओ, so it will be some dictation, then I will go to Excel, I will show you the results, and then we will simultaneously go to Excel sheet and create all the models simultaneously, right? So is that okay with all of you? अगर मैं थोड़ा सा dictation करूँ तो, because मेरे को वो style अच्छा लग रहा है, because यहाँ पे बहुत सारी quantitative techniques हैं, तो आपको difficult ना हो, आप बाद में उसको recall भी कर सको, इसके लिए मैं थोड़ा सा dictation करना चाहता हूँ। ये program में जो skills हैं, ये skill के बाद आपको एक badge मिलेगा, क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग का बैच, वो आप सबको लिंक्डइन पे जाके लगाना है, मतलब आपने वो स्किल एक्वायर की है, बट कब लगाना है? जब आप सारी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लोगे और सारे के सारे एग्जाम्स पास कर लोगे, राइट? उसके बाद एक बैच लगाओगे, वो बैच मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड यू हैव टू पुट दैट बैच ऑन लिंक्डइन। दैट बैच इज टू शो कि आपने वो स्किल्स एक्वायर कर लिया है। वो कभी भी ये शो नहीं करेगा कि आप बाकियों से बेटर हैं, बट यस, दैट इज ओनली for showing that you have acquired these skills, you know all these things, right? Now, जब मैं fund management की बात करता हूँ, तो fund management में basically जो fund manager होता है, उसको analysis करना होता है, उसको analysis करना होगा, वो अलग-अलग asset classes को analyze करेगा, वो bonds को analyze करेगा, वो equity को analyze करेगा, वो gold को analyze करेगा, वो crude oil को analyze करेगा, right? Analysis बहुत तरह के होते हैं, analysis बहुत तरह के होते हैं। जो लोग जानते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे एक सपोज स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला जाता है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, कंपनी का बैलेंस शीट देख के, कैश फ्लो देख के, पीएनएल स्टेटमेंट देख के, एंड फ्यूचर फोरकास्ट बना के एक कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। उसके अलावा हमारे कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं, जहां पे हम चार्ट्स को एनालाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी या एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। और एक तीसरा एनालिसिस होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब हम लोग फोरकास्ट बनाएंगे,
फोरकास्ट किस चीज का, एसेट रिटर्न्स का, अलग अलग एसेट क्लासेस के रिटर्न्स का फोरकास्ट करेंगे कि गोल्ड कितना बढ़ेगा, इक्विटी कितना बढ़ेगा, बॉन्ड कितना बढ़ेगा, क्रूड ऑयल कितना बढ़ेगा, एंड देन वी विल डिसाइड द एलोकेशन. एंड दीज फोरकास्ट विल बी क्वांटिटेटिव बेस्ड, दीज विल नॉट बी टेक्निकल ओरिएंटेड, दीज विल नॉट बी फंडामेंटल ओरिएंटेड, दीज विल बी टेक्निकल ओरिएंटेड, राइट, सॉरी दीज विल बी क्वांटिटेटिव ओरिएंटेड. तो ना ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे फोरकास्ट निकाले जाएंगे रिटर्न्स के, ना ये फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे निकाले जाएंगे, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे निकाले जाएंगे कि क्या रिटर्न्स फोरकास्टेड है फॉर ऑल द एसेट क्लासेस. एंड बेस्ड ऑन द फोरकास्ट वी विल डिसाइड, वी विल रन एन ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज टू डिसाइड हमें कितना कितना एलोकेट करना है इन डिफरेंट एसेट क्लासेस, राइट. सो इज द एजेंडा, इज द आइडिया क्लियर? ऑब्वियसली मैंने बहुत फास्ट बोला है, बट दैट वॉज जस्ट एन ओवरव्यू. अब मैं स्लो करके एक एक पॉइंट पे जाऊंगा, एक एक मॉड्यूल पे जाऊंगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट. तो एक बार स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा लिखना आज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं, देन आई विल शो यू द एक्सेल मॉडल जो हमें आज बनाना है, देन उसका डेटा पुल करके हम लोग साथ में वो एक्सेल बनाने वाले हैं. तो प्लीज गिव द हेडिंग, प्लीज गिव द हेडिंग क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग एंड ओवरव्यू, क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग एंड ओवरव्यू, क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग एंड ओवरव्यू, क्वांटिटेटिव फंड मॉडलिंग एंड ओवरव्यू. ओवरव्यू में क्या लिख रहे हैं, लिखो एज अ फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर से पेंशन फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर से पेंशन फंड मैनेजर और एनी अदर फंड मैनेजर, एज अ फंड मैनेजर से पेंशन फंड मैनेजर और एनी अदर फंड मैनेजर, the main objective is decide asset allocation such that point number one, such that returns are maximized and dusra, defined liabilities if any are timely met, defined liabilities if any are timely met. Defined liabilities if any are timely met. We can incorporate both these objectives. We can incorporate both these objectives in a ratio called as funding ratio. ठीक है, मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पेंशन फंड का एग्जांपल लेके चलने वाला हूं, पेंशन फंड का, बिकॉज पेंशन फंड में क्या है, लायबिलिटीज ठीक से आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब बाकी जगह पे क्या, क्लाइंट पे डिपेंड करेगा कि उसकी लायबिलिटीज क्या है, वहां मुझे बहुत एजम्पशंस लेना पड़ता, बट यहां मुझे एग्जैक्टली एक प्लान में मिल जाएगा कौन सी लायबिलिटीज होती है, राइट, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉइज रिटायरिंग. तो मैं एक पेंशन फंड का केस स्टडी लेके चलूंगा, बट क्या ये सिर्फ पेंशन फंड तक लिमिटेड है, नहीं, ये आप किसी भी फंड में एक्सटेंड कर सकते हो, या आप म्यूचुअल फंड में, हेज फंड में, सब जगह एक्सटेंड कर सकते हो, बिकॉज सब जगह दो ही चीजें हैं, एसेट्स लायबिलिटीज. और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव को मुझे
मीट करना है, मतलब मुझे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना है और लायबिलिटीज को भी मीट करना है, तो मैं दोनों ऑब्जेक्टिव को एक रेशो में डाल दूंगा, फंडिंग रेशो। फंडिंग रेशो क्या होता है, लिखना, रेशो ऑफ एसेट्स बाय लायबिलिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। रेशियो ऑफ एसेट्स बाय लायबिलिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, मतलब फर्स्ट ईयर एंड पे कितना एसेट्स है कितना लायबिलिटीज है, सेकंड ईयर एंड पे कितना एसेट्स है कितना लायबिलिटीज है, थर्ड ईयर एंड पे कितना एसेट्स है कितना लायबिलिटीज है, एंड सो ऑन, राइट। सो हमें इस रेशियो को क्या करना चाहिए, मुझे बताओ, इस रेशियो को मैक्सिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए, इस रेशियो को मैक्सिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज, ऑब्वियसली मैक्सिमाइज। और ये रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा, ये रेशियो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा होगा इसका मतलब जिस भी पॉइंट पे आपकी लायबिलिटी है, सपोज फर्स्ट ईयर एंड पे जितनी लायबिलिटी है आपके पास उससे ज्यादा एसेट है, आपके पास उससे ज्यादा एसेट है। ज्यादा एसेट कैसे आएगा, अगर आप रिटर्न्स को अच्छे से ग्रो करोगे तो तब आपके पास ज्यादा एसेट आएगा। और आप लायबिलिटीज को अगर मीट कर पाओगे, एसेट्स आपके 120 के हैं, लायबिलिटीज आपकी 100 की है, 100 करोड़ 120 करोड़ या 100 लाख 120 लाख, तो उस केस में आप बोल पाओगे ना कि मेरा रेशियो 1.2 है, मतलब मैं सारी लायबिलिटीज को ठीक से मीट कर पा रहा हूं। तो लायबिलिटीज मीट हो पाएंगी, और लायबिलिटीज तभी मीट हो रही है जब एसेट्स बड़ा है, तो एसेट्स का रिटर्न अपने आप ही मैक्सिमाइज हो रहा है, तभी मेरा फंडिंग रेशियो मैक्सिमाइज होगा, राइट। तो अल्टीमेटली मैं क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलने वाला हूं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कि मुझे इस तरीके से एसेट एलोकेशन निकालना है, इस तरीके से एसेट्स को एलोकेट करना है इन डिफरेंट एसेट क्लासेस कि मेरा फंडिंग रेशियो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, लिखना नीचे में। सो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग, the objective of this training is to decide, the objective of this training is to decide allocation in such a manner, the objective of this training is to decide allocation in such a manner decide allocation in such a manner that funding ratio is maximized, decide allocation in such a manner that funding ratio is maximized, that funding ratio is maximized, at different points of time। Liability कोई खाली एक साल के end पे तो खड़े होके आएगी नहीं, because हर साल में employees retire करेंगे एक pension fund में, तो हर एक साल पे आपकी लायबिलिटी खड़ी होगी, तो आपको हर एक साल में फंडिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करना है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। वी विल कंसीडर अ केस स्टडी ऑफ पेंशन फंड, वी विल कंसीडर अ केस स्टडी ऑफ पेंशन फंड इन दिस ट्रेनिंग वी विल कंसीडर केस स्टडी ऑफ पेंशन फंड इन दिस ट्रेनिंग, राइट। मैं ये केस स्टडी कहां से सोर्स कर रहा हूं, ऑब्वियसली हमें ऑथेंटिक सोर्सेज यूज करने होते हैं अगर मैं किसी चीज के ऊपर ट्रेनिंग अनाउंस कर रहा हूं, तो आपको घर जाके सोसाइटी ऑफ एक्चुरीज के बारे में देखना है, इट्स अ वेरी क्रेडिबल सोर्स, सोसाइटी ऑफ एक्चुरीज, किसी ने सुना है इसके बारे में? यस, सोसाइटी ऑफ एक्चुरीज ने एक बेंचमार्क मॉडल बनाया है। बेंचमार्क मॉडल का मतलब क्या होता है, उन्होंने एक मॉडल पब्लिश किया है, बेंचमार्क मॉडल, उन्होंने ये एक मॉडल पब्लिश किया है कि हर एक कंपनी को, हर एक इंस्टीट्यूशन को जो पेंशन फंड बिजनेस में है, उनको इस मॉडल के बेसिस पे एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है। तो ये बेंचमार्क है, इसको देख के वो मॉडलिंग करेंगे सो एज टू डिसाइड द एलोकेशन इन वेरियस एसेट क्लासेस। तो ये बेंचमार्क मॉडल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, उसका पूरा एक्सेल अवेलेबल है, बट एक्सेल में प्रॉब्लम क्या है, पूरा कोडेड है, पूरा VBS के थ्रू है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा वो कभी भी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है।
मैं आपको एक सिंपलर वर्जन उसका करवाने वाला हूँ. सिंपलर डज नॉट मीन कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करूंगा, मैं डिटेल्स को रिड्यूस करूंगा, नहीं. सिंपलर का मतलब है हम लोग जितना एक्सेल लेवल पे हैंडल कर पाए उतना आपको सिखाऊंगा. मैं उसमें बहुत सारा डायमेंशंस नहीं इंक्रीज करने वाला हूँ, आइदर रो वाइज और कॉलम वाइज. बट यस, ऑल द डिटेल्स, ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन द बेंचमार्क मॉडल, वी विल बी कवरिंग दैट. सो आई हैव सोर्स्ड माई ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम दिस Society of Actuaries Benchmark Model. Society of Actuaries Benchmark Model. Is that clear? अगर मैं दिखाना चाहूं एक बारी दिखा देता हूं. This is my PPT. One second. Yeah, so this is Society of Actuaries. उसके ऊपर ये पूरा पेपर अवेलेबल है, ठीक है. आप देख सकते हैं कितने पेजेस का पेपर है, 84 पेजेस का पेपर है. एंड काफी कॉम्प्लेक्स पेपर है, बहुत डिटेल्स है इसके अंदर, एंड पूरा मैक्रोज में कोड किया हुआ है, राइट. तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है. बट यस, अगर आपको एक्स्ट्रा रीडिंग करनी होगी तो आई विल बी गिविंग यू दिस लिंक, जहां पे जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे इस पेपर को एंड आप रीड कर पाएंगे अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ रीड करना है तो, राइट. सो आई एम सोर्सिंग माई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन दिस. द रीजन बींग देर इज नो क्वेश्चन ऑन दिस पेपर बिकॉज ये एक बेंच मार्क मॉडल है जो पेंशन फंड के लिए रिकमेंड किया हुआ है. दिस इज अ बेंच मार्क मॉडल. बेंच मार्क मतलब सारी इंडस्ट्री इस मॉडल के बेसिस पे अपना पेंशन फंड एलोकेशन करती है. हम लोग वही सीखने वाले हैं. अब समझते हैं एक एक करके एक एक चीज को. देखो मुझे क्या करना है, मुझे फंडिंग रेशो को मैक्सिमाइज करना है. इसका मतलब मुझे एसेट्स निकालना है हर एक साल के एंड पे. सपोज मैंने बोला डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, अभी आप मान के चलो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम है मेरा एट ईच ईयर एंड, तो मुझे एसेट्स की वैल्यू निकालनी होगी एट ईच ईयर एंड. तो उस केस में कैन आई से, अभी आपको लिखने का जरूरत नहीं है, कैन आई से एसेट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, assets at the end of each year is equal to assets at the beginning, yeah, assets value at beginning into 1 plus asset return. Fair enough, right? मैं हर एक साल के एंड में निकाल रहा हूं ये. एसेट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज इक्वल टू एसेट वैल्यू एट बिगनिंग इनटू 1 प्लस एसेट रिटर्न. यहां पर एसेट वैल्यू एट बिगनिंग तो शुरू में आपको बताइए होगा कि आपने कितने अमाउंट से स्टार्ट किया, क्या चीज आपका रैंडम है, क्या चीज आपका रैंडम है, एसेट रिटर्न. मुझे इसको मॉडल करना है. और जब मैं एसेट की बात कर रहा हूं तो मैं सारे एसेट क्लासेस की बात कर रहा हूं. इस केस स्टडी में जो ओरिजिनल पेपर है उसमें ट्रेजरी बॉन्ड भी लिया हुआ है, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड भी लिया हुआ है, उसमें क्रूड ऑयल भी लिया हुआ है, उसमें गोल्ड भी लिया हुआ है, उसमें इक्विटी भी लिया हुआ है, उसमें सारे एसेट क्लासेस मेनली लिए हुए हैं, रियल एस्टेट भी लिया हुआ है. सो लेट मी शो यू कि कौन कौन से एसेट क्लासेस लिए हुए हैं, ठीक है. ये पीपीटी सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का नहीं है, ये पीपीटी हमने खुद बनाया है एंड दिस हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू इन द वेबसाइट. मैंने ऑलरेडी वहां पे इसको अपलोड कर दिया है. राइट, सो दीज आर ऑल द एसेट क्लासेस विच हैज बीन टेकन. ट्रेजरी बॉन्ड अलग अलग टेनर्स का, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर्स. कॉर्पोरेट बॉन्ड अलग अलग रेटिंग्स के, AAA-, AA-, A-, BBB-. पब्लिक इक्विटी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाईली डाइवर्सिफाइड. प्राइवेट इक्विटी इंडेक्स, इंफ्रा प्रोजेक्ट इंडेक्स, रीट्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कमोडिटी इंडेक्स. तो ये सारे एसेट क्लासेस हैं जो ओरिजिनली ऑथर ने ली हुई है. हम लोग जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मुझे एसेट्स को ग्रो करना है, एसेट वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे एसेट्स की बात हो रही है. इज दैट क्लियर? क्लियर है ये चीज? राइट, नाउ लेट मी पुट दिस ब्रैकेट आउटसाइड. या
नाउ मेरा मेन काम क्या है, ये एसेट रिटर्न को फोरकास्ट करना। माय ऑब्जेक्टिव इज टू फोरकास्ट एसेट रिटर्न। नाउ ये जो एसेट रिटर्न का फोरकास्ट होता है ना, बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ थ्री मेन थिंग्स। मुझे बताना एसेट रिटर्न के लिए सबसे फेमस मॉडल कौन सा है, रिटर्न्स मॉडल करने के लिए सबसे फेमस मॉडल कौन सा है। अगेन मैं फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस का बात नहीं कर रहा हूं, रिटर्न्स मॉडलिंग के लिए एक्सीलेंट साहिल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। CAPM मॉडल क्या बोलता है कि आपके जो रिटर्न्स होते हैं उसके दो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वन इज द सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट एंड वन इज द आइडियोसिंक्रेटिक कॉम्पोनेंट। वन इज द सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट एंड वन इज द आइडियोसिंक्रेटिक कॉम्पोनेंट। कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन भी करेक्ट है, अल्टीमेटली उसमें भी दो कॉम्पोनेंट ही कवर हो रहे हैं, सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट एंड आइडियोसिंक्रेटिक कॉम्पोनेंट। बट मेन मॉडल का नाम क्या है, CAPM, CAPM। जो लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली इस वर्ड से तो वंचित नहीं रह सकते हैं, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो जब भी हम लोग रिटर्न्स को फोरकास्ट करते हैं दो कंपोनेंट्स को आपको मॉडल करना होता है, वन इज द सिस्टमैटिक कंपोनेंट एंड वन इज द आइडियोसिंक्रेटिक कंपोनेंट। सिस्टमैटिक कंपोनेंट क्या हो गया कि अगर इकोनॉमी अच्छा वर्क करेगी तब आप एज अ कंपनी या आप एज अ एसेट क्लास अच्छा ग्रो करोगे, रिटर्न्स आएगा ही बिकॉज द इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग वेल। सो ऑल द एसेट क्लास आर बाउंड अंटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शन हो आर बाउंड टू परफॉर्म वेल। जो भी है एक रिलेशनशिप है बिटवीन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और द सिस्टमैटिक फैक्टर्स जो सबको इंपैक्ट करते हैं एंड अ पर्टिकुलर एसेट रिटर्न। और दूसरा है आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर जो एक पर्टिकुलर एसेट क्लास को खुद अनसिस्टमैटिकली इंपैक्ट करेगा। मतलब सिस्टमैटिक फैक्टर से मतलब नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल पे उसका खुद का एक रिटर्न है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं कि अगर निफ्टी अच्छा वर्क करेगा तो सारे स्टॉक्स अच्छा वर्क करेंगे, बट तब भी कोई कंपनी तो गिर ही सकती है, कई कंपनी का रिटर्न्स नेगेटिव हो सकता है। वो जनरली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स। मतलब कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू हो गया या कोई और इंटरनल इश्यू हो गया विच इज नॉट सिस्टमैटिक टू ऑल द कंपनीज, राइट। सो वी हैव अ सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट, यहां पर हम लोग सिस्टमैटिक कंपोनेंट क्या लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट्स। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखने का आपको टाइम दूंगा। मतलब जैसे मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट होंगे उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो बिकॉज ऑफ द सिस्टमैटिक इफेक्ट आपके एसेट क्लास में कितना रिटर्न्स आने वाला है। उसके अलावा मुझे बताना क्या एसेट रिटर्न्स में एक पैटर्न्स भी होते हैं, क्या एसेट रिटर्न्स में कोई पैटर्न होंगे, टाइम सीरीज पैटर्न्स, क्या एसेट रिटर्न्स में कोई टाइम सीरीज सीजनैलिटी या साइक्लिकलिटी या कुछ ट्रेंड टाइप होगा। Yes, कुछ patterns होते हैं as per time कि हाँ अगर last quarter में खराब return दिया था तो इस quarter में भी खराब return देगा। There is some relationship of the asset returns with previous asset returns. This is called auto regression. अभी auto regression क्या होता है मैं detail में discuss करूँगा। So previous asset returns, खुद का खुद के साथ relation, right? जो भी time series data होता है उसमें ऐसी tendency होती है। Returns क्या है, time series data,
कि पहले मंथ में क्या रिटर्न था, दूसरे मंथ में क्या रिटर्न था, तीसरे मंथ में क्या रिटर्न था, या पहले ईयर में क्या रिटर्न था, दूसरे ईयर में क्या रिटर्न था, तीसरे ईयर में क्या रिटर्न था, ऑल दिस इज टाइम सीरीज बिहेवियर। जहां भी टाइम सीरीज बिहेवियर होता है वहां पर आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जहां पे पिछले की वैल्यू को देख के आप नेक्स्ट वाला वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऐसा टेंडेंसी होता है टाइम सीरीज डेटा में। ऑल्दो मैं इसको डिक करके डिटेल में एग्जांपल के साथ बताऊंगा, अभी मैंने सिर्फ ऊपर से वर्ड लिखा है यहां पर, प्रीवियस एसेट रिटर्न्स। एंड तीसरा है आपका आइडियोसिंक्रेटिक रिटर्न्स। राइट तो ये दोनों तो आपका स्कैपम हो गया और ये आपका टाइम सीरीज बिहेवियर हो गया, जो मेरे एसेट रिटर्न्स में फोरकास्ट में मुझे हेल्प करता है। तो जल्दी से इसको लिख दो, जल्दी से इसको लिख दो, सॉरी या जल्दी से लिख दो इसको, एसेट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एसेट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज इक्वल टू एसेट वैल्यू एट बिगनिंग, is equal to asset value at beginning into 1 plus asset return. Into 1 plus asset return. And asset return ही तो मुझे forecast करना है, asset return forecast करना है। पहले हम assets की बात करेंगे, बाद में जाके towards the फिफ्थ और सिक्स सेशन हम लोग लाइबिलिटीज की बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एसेट रिटर्न को जो फोरकास्ट करना है, इट्स अ फंक्शन ऑफ थ्री मेन थिंग्स। कौन कौन सा? एसेट रिटर्न डिपेंड करेगा ऑन सिस्टमैटिक फैक्टर्स, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट। एसेट रिटर्न डिपेंड करता है ऑन प्रीवियस एसेट रिटर्न। दिस इज बेसिकली टाइम सीरीज बिहेवियर, टाइम सीरीज पैटर्न। ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ कैपम एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपम। और आइडियोसिंक्रेटिक रिटर्न्स, राइट? इज दैट क्लियर? यहां तक एजेंडा क्लियर है? क्या आपको लगता है कोई और भी फैक्टर होगा जो एसेट रिटर्न्स को फोरकास्ट करने में हेल्प कर सकता है? यस, कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। बट मैंने जैसे आपको बोला, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक, CAPM क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। टाइम सीरीज क्या है? एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है। उसको यूज करके कैसे हम रिटर्न्स को फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट? नाउ ऑथर ने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली है, जो मैं भी पहली बार सीखा जब मैंने इस पेपर को पढ़ा। एंड बेसिकली हमारे पास अभी एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट आया था पेंशन फंड के ऊपर, तब हम लोगों ने इस पेपर को इंप्लीमेंट किया था पूरे एक्सेल शीट में। दैट इज व्हाई आई अनाउंस्ड दिस ट्रेनिंग। एक पेंशन फंड है, उस कंपनी का नाम मैं नहीं बोलूंगा, छोटा सा पेंशन फंड है, उसका रिक्वायरमेंट आया था हमारे पास ट्रेनिंग और कंसल्टिंग का। उनको एक्सेल लेवल पे अपने कस्टमाइज्ड पेंशन फंड के लिए इसको इंप्लीमेंट करना था, जो हमने करके दिया, मैंने और मेरे पार्टनर सत्या ने, राइट? एंड देन वी अनाउंस्ड दिस ट्रेनिंग बिकॉज़ वी डेवलप्ड दिस थिंग इन दिस कंसल्टिंग प्रोजेक्ट। नाउ वहां पे हमने सीखा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये जो आइडियोसिंक्रेटिक रिटर्न्स है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, इट्स अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। कौन कौन सी इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं बताना, कौन कौन सी इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं? बूम होता है, रिसेशन होता है, नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल है। यहां पर जनरली ये जो पेपर है या ये जो इंडस्ट्री है, वो सिर्फ दो साइकल्स लेके चलती है। वन इज रिसेशन एंड वन इज नॉन रिसेशन।
रिसेशन में आपका रिसेशन आ गया और नॉन रिसेशन में आपका बूम नॉर्मल पीरियड सब आ गया, बूम भी इसके अंदर आ गया, नॉर्मल पीरियड भी इसके अंदर आ गया। राइट तो ऑथर ने बोला है जो आइडियोसिंक्रेटिक रिटर्न्स है, बिकॉज देखो अगर इकोनॉमिक साइकिल खराब है, रिसेशन हुआ, सपोज कोविड के कारण रिसेशन हुआ था, तो बिकॉज ऑफ सम इंटरनल फैक्टर्स, नो डाउट सिस्टमैटिक फैक्टर्स के कारण तो इंपैक्ट आएगा ही, उसको कोई मना नहीं कर रहा, बट कोई भी ये नहीं सोचता कि आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स जो है वो भी इंपैक्ट होते हैं इकोनॉमिक साइकिल से। हम सबको पता है अगर इकोनॉमी खराब होगी सिस्टमैटिक इंपैक्ट के कारण एसेट क्लासेस खराब परफॉर्म करेगी, क्या किसी को इसमें डाउट है? ये तो नेचुरल है, राइट? अगर इकोनॉमी खराब परफॉर्म करेगी, अगर कोविड आया लास्ट मंथ में, जब कोविड अनाउंस हुआ तो निफ्टी गिरा, सारे एसेट क्लासेस गिरे, राइट? जिनका पॉजिटिव कोरिलेशन है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। बट जो चीज हम लोग मिस करते हैं मॉडलिंग में वो ये है कि आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक साइकिल पे, राइट? मतलब जो कंपनी स्पेसिफिक या एसेट क्लास स्पेसिफिक फैक्टर्स होंगे वो भी इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है अपने किसी करिकुलम में पढ़ते हुए? नहीं, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक फैक्टर्स जो हैं वो इंपैक्ट होते हैं इकोनॉमिक साइकिल से। बट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बिकॉज जैसे मैंने बोला ये बेंचमार्क मॉडल है तो बहुत डिटेल तक इसमें चीजें कवर्ड है। सो इस पेपर में आइडियोसिंक्रेटिक रिटर्न्स को भी लिया गया है एज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल क्या होने वाली है हर साल में, क्या आपको पता है? आज खड़े होके इकोनॉमिक साइकिल क्या होने वाली है? नहीं, तो अगेन इकोनॉमिक साइकिल आपको क्या करनी पड़ेगी, सिम्युलेट करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक साइकिल आपको सिम्युलेट करनी पड़ेगी, सिम्युलेट। सिम्युलेट मतलब किसी चीज को आर्टिफिशियली जनरेट करना, राइट? सबने लिख लिया यहां तक? मतलब इकोनॉमिक साइकिल सिम्युलेट होगी, उसके बेसिस पे आइडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स आएंगे, प्रीवियस रिटर्न्स के बेसिस पे करंट रिटर्न्स को फोरकास्ट करने के लिए एक टर्म यूज करेंगे ऑटो रिग्रेशन, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे भी रिटर्न्स हम लोग मॉडल कर सकते हैं, विच इज द सिस्टमैटिक कॉम्पोनेंट। सबने लिख लिया यहां तक तो कंफर्म कर दो, मैं आगे मूव करूं। यस, ओके, एक्सीलेंट। नाउ तो एक नोट डाल के लिखो आगे, नोट डाल के लिखो। अबव वी हैव सीन एसेट रिटर्न्स ऑन द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, एसेट रिटर्न्स ऑन द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड। मुझे बताओ जो अमाउंट हमने इनिशियली इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, आज खड़े होके, आज जब मैं खड़ा हूं तो मुझे पता है कि मेरी लाइबिलिटीज क्या क्या होने वाली है फोरकास्टेड, राइट? मेरी प्रोजेक्टेड लाइबिलिटीज मुझे पता होंगी तो मैं इतना कॉर्पस से स्टार्ट कर दूंगा। बट कल को क्या इस प्लान में आपको और कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ेगा? यू एज एन एम्प्लॉयर, डू यू नीड टू कंट्रीब्यूट मोर इन द फ्यूचर और नॉट? यस, कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आज देखो, आज जब मैं खड़ा हूं, आज मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे खड़ा हूं, जैसे हम लोग खड़े होंगे 2021 में, जब मैं ये प्रोग्राम करवाऊंगा, जब मैं ये मॉडल बनवाऊंगा, तो 2021 में मैंने प्रोजेक्ट कर ली होंगी लाइबिलिटीज कितनी कितनी खड़ी है मेरी, राइट? अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसके हिसाब से मैंने एक कॉर्पस डिसाइड कर लिया होगा, कि हाँ मैं इतने अमाउंट से आज स्टार्ट करूंगा। बट कल को न्यू इंप्लॉइज एड होंगे, जो एम्प्लॉइज एग्जिस्टिंग है उनका सर्विस पीरियड और इंक्रीज होगा, सर्विस पीरियड इंक्रीज होने के कारण पेंशन बेनिफिट इंक्रीज होंगे, वो सब हम देखेंगे। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको हर एक साल में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन भी करना होगा, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर एवरी ईयर, बिकॉज द एम्प्लॉइज लाइबिलिटी इज चेंजिंग।
वो और सर्व कर रहे हैं, वो कंपनी में और एक साल काम कर रहे हैं, तो उस कारण से आपका लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो उसको बोलते हैं प्लान कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्लान कॉस्ट या प्लान कंट्रीब्यूशन, प्लान कॉस्ट या प्लान कंट्रीब्यूशन। तो हम जो नोट लिख रहे हैं उसमें लिखो, अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड, द एम्प्लॉयर नीड्स टू कंट्रीब्यूट needs to contribute extra amount in the plan every year, needs to contribute extra investments, needs to contribute extra investments in the plan every year, needs to contribute extra investments in the plan every year, known as प्लान कॉस्ट और प्लान कंट्रीब्यूशंस। इसको आप प्लान कंट्रीब्यूशन वर्ड को कंफ्यूज मत होना। किसी ने पेंशन फंड में दो टर्म्स सुनी है, दो टर्म्स यूज होते हैं, दो तरह के प्लान्स होते हैं। One is defined contribution plan and one is defined benefit plan. क्या किसी ने सुना है आज तक ये? Defined, किसी ना किसी curriculum में आपने पढ़ा ही होगा ये. Defined contribution plan और एक होता है defined benefit plan. पहली बात है ये contribution plan और plan contribution, इसको confuse मत होना, ये दोनों अलग अलग words हैं. कोई मुझे बताएगा defined contribution plan और defined benefit plan में फर्क क्या होता है? Anyone? Defined contribution plan or defined benefit plan में क्या फर्क होता है? तो साहिल has replied, contribution is fixed, not benefit. Defined contribution plan में employer कितना contribute करेगा आपके behalf पे, वो fixed है कि हर एक महीना या हर एक साल इतना contribute करेगा। उसका end में कितना value हो जाएगा corpus का, वो responsibility employer की नहीं होती। That is not the responsibility of employer कि corpus grow करेगा या actual में degrow करेगा। That is not the responsibility of employer. हाँ, वो अच्छे fund में लगाएगा आपके पैसे को, but अगर वो गिर गया तो employer की कोई responsibility नहीं है, because उसकी responsibility limited थी हर महीने में contribution करना। Benefit plan में ऐसा नहीं है। Benefit plan में कितना pension के बाद pay करना है benefit, उसकी responsibility employer की है, right? एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसने प्रॉमिस किया है कि आपको रिटायरमेंट के बाद इतना परसेंट ऑफ सैलरी मिलेगा, तो वो देना ही पड़ेगा। अगर कल को एसेट ग्रो नहीं किया तो जेब से एम्प्लॉयर पैसा डालेगा और कंट्रीब्यूशन करेगा, राइट? तो हम ये जो पूरा केस स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान के लिए। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में तो कुछ करना ही नहीं है मॉडलिंग खास, राइट? उसमें तो क्या करना है, हर एक महीने का कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर लिया और वो फंड में डालते रहना है। सारा मॉडलिंग कहां पे इन्वॉल्व है? डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, बिकॉज वहीं पे तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहीं पे तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लाइबिलिटी उसने कमिट की है, जो लाइबिलिटी उसने कमिट की है वो लाइबिलिटी वो मीट करे, राइट? दैट इज, सो वी आर कंसिडरिंग इन दिस केस डिफाइंड बेनिफिट प्लान। और जैसे मैंने बोला, अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आपको लगा कि कल को आप लाइबिलिटीज मीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना होगा, वो मेरा क्या हो गया, प्लान कॉस्ट या प्लान कंट्रीब्यूशन। तो प्लीज ये और ये टर्म्स को कंफ्यूज मत करना, प्लान कंट्रीब्यूशन को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लान कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ही पार्ट है कि कल को आपको एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू मीट द डिफाइंड लाइबिलिटीज, राइट? लिख देना आगे, प्लान कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट
टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड पीरियोडिकली बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड पीरियोडिकली बाय द एम्प्लॉयर टू द फंड पीरियोडिकली टू मीट द डिफाइंड लाइबिलिटीज टू मीट द डिफाइंड लाइबिलिटीज to meet the defined liabilities to meet the defined liabilities under the defined benefit plan under the defined benefit plan right So ultimately, assets is equal to assets at end of each year. Plus plan cost. Plan cost जो है again क्या वो एक fixed number होगा या वो आपको model करना पड़ेगा model because plan cost है कि आपको कितना extra contribution करना पड़ेगा हर एक साल में to meet the future liabilities. तो उस case में यहाँ पे भी modeling involved है हर जगह modeling involved है. Right, it's random. Not random, I would say it requires modeling. Right, it requires modeling. तो ये आपका total asset side हो गया. Asset side सबको clear है. Asset side में मुझे दो चीजें करनी है. दो चीजें क्या क्या करनी है? एक तो assets को grow करना है जो मैंने initial invest किया है और मुझे plan cost को निकालना है. Assets जो मैं grow करूंगा वो grow करूंगा by asset return. And asset return जो है वो तीन चीजों पे depend करती है. One is the systematic component, the macroeconomic forecast. अच्छा ये macroeconomic forecast जो है ये भी model करना पड़ेगा. GDP क्या होगा? Unemployment rate क्या होगा? ये भी तो model करना पड़ेगा. ये model करना पड़ेगा. Previous asset returns, which is auto regression and idiosyncratic returns. Idiosyncratic returns में तो मैंने बोला कि it is a function of economic cycle. It is a function of economic cycle. So you will have to simulate the economic cycles as well. Ki recession होने वाला है या non-recession होने वाला है. And employer को जो हर एक साल extra contribution करना पड़ेगा, that is called plan cost. So total assets, I would term it total assets is equal to assets at the end of each year. या assets grown लिख दो at the end of each year. Assets grown at the end of each year better value better term rahega. Total assets is equal to assets grown plus plan cost. Theek hai, so this now completes my asset side. Dusra side hai mera liability side. Abao liability side, इसको अगर heading डाल देना है तो heading डाल देना, funding ratio के बाद इसको heading डाल देना asset side. और दूसरा है अब मेरा liability side. Liability side में लिखो accrued liability at the end of each year. Accrued liability at the end of each year
एक्रूड मतलब एम्प्लॉय ने जितना काम कर लिया उसके हिसाब से जो लायबिलिटी बनती है, एक्रूड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इसको बोलते हैं पीबीओ, पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशंस, पीबीओ, पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशंस। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट पेमेंट्स। कंसीडरिंग रिस्की डिस्काउंट फैक्टर, कंसिडरिंग रिस्की डिस्काउंट फैक्टर। रिस्की डिस्काउंट फैक्टर क्या है? देखो सिंपल सी बात है, बेसिकली एज अ पेंशन फंड आपको पेमेंट करना होगा, आपको बेनिफिट्स पे करने होंगे। मुझे बताओगे कोई कि बेनिफिट्स कब से स्टार्ट होंगे और कब तक पे करोगे आप? एक पेंशन फंड कब से बेनिफिट स्टार्ट करता है और कब तक पे करता है? एनीवन, एक पेंशन फंड जब इंप्लॉय को बेनिफिट्स पे करना शुरू करेगा, पेंशन देगा, कब से स्टार्ट करेगा और कब तक पे करेगा? फ्रॉम रिटायरमेंट, एक्सीलेंट, फ्रॉम रिटायरमेंट, एक्सीलेंट, रिटायरमेंट के बाद कब तक? डेथ तक, एक्सीलेंट। तो इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद डेथ तक बेनिफिट्स पे किए जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद डेथ तक बेनिफिट पे किए जाएंगे। ये रिस्की डिस्काउंट फैक्टर का मतलब क्या है? रिस्की डिस्काउंट फैक्टर होता है, रिस्की डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इनटू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। तो यहां सारा एक्चुअरीज का गेम आ गया, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। आपको सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी भी तो लेके चलनी पड़ेगी। कोई इंप्लॉई अमर थोड़ा रहने वाला है कि वो 1,000 सालों तक जिएगा, राइट? तो उसको कभी ना कभी मरना ही है, और आपका पेमेंट वहां पे स्टॉप हो जाएगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपको सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करके चलना है, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी आपको इनकॉर्पोरेट करके चलना है, क्योंकि आप जब भी पेमेंट करोगे फ्यूचर में, अगर वो सर्वाइव किया तो आप करोगे, नहीं किया तो आपका पेमेंट बंद, राइट? दिस इज डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, बचपन में या कभी टीवी पे एक वो सीरियल देखा होगा, ऑफिस ऑफिस, देखा है कि नहीं? वो ऑफिस ऑफिस के सीरियल में वो दिखाता है कि वो पेंशन फंड के ऑफिस में गया और उसको पेंशन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज 3 महीने पहले उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया पेंशन फंड वालों ने। किसी ने देखा है वो सीरियल, राइट? तो इसका मतलब जो पेमेंट मिलती है वो कहां तक मिलती है? सिर्फ डेथ तक, रिटायरमेंट से लेकर डेथ तक आपको पेमेंट मिलेगी। तो आपको सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। ऑथर ने इसका नाम दिया रिस्की डिस्काउंट फैक्टर, ये ऑथर का नाम है तो मैं वही यूज कर रहा हूं, रिस्की डिस्काउंट फैक्टर, राइट? इसका मतलब हमें सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट भी समझने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मुझे मेन चीज यहां पे क्या मॉडल करनी है? पीवी ऑफ बेनिफिट पेमेंट्स कंसीडरिंग रिस्की डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर तो मैं ले लूंगा, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी का तो टेबल होते हैं जो एक्चुअल टेबल्स होते हैं, और डिस्काउंट फैक्टर इनटू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मेन चीज जो मेरे लिए मॉडलिंग के लिए है वो है बेनिफिट पेमेंट्स। बेनिफिट पेमेंट्स तो नीचे आप लिखोगे बेनिफिट पेमेंट मतलब कितना पे करना है उसको रिटायरमेंट के बाद हर एक साल। बेनिफिट पेमेंट, अच्छा बेनिफिट पेमेंट भी 2 तरीके से हो सकती है, या तो लमसम कि जैसी रिटायरमेंट हुआ उस टाइम पे सारा पैसा दे दो, या एन्यूटी। एन्यूटी मतलब रिटायरमेंट से लेकर डेथ तक हम लोग उसको
हर एक पीरियड में कुछ कुछ पैसा देंगे, या तो लंपसम कि सारा पैसा एक बार में दे दो, या एन्यूटी। इस प्रोग्राम में जनरली हम लोग एन्यूटी लेके चलेंगे, बट आपके असाइनमेंट में रहेगा कि अगर लमसम इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि लमसम कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, बट टास्क आपका है। बहुत सारी चीजें मैंने मिक्स एंड मैच किया कि मैं सिखाऊंगा और आपको असाइनमेंट में जाके करना है, राइट। और बहुत सारी चीजें मैं करवाऊंगा, तो मैं एन्यूटी करवाने वाला हूँ, बट अगर लमसम को इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे करना है वो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। तो बेनिफिट पेमेंट इज अ फंक्शन ऑफ, मुझे बताना बेनिफिट पेमेंट किस किस बेसिस पे डिसाइड होती होगी, क्या क्या पैरामीटर्स आप लेके चलोगे बेनिफिट पेमेंट डिसाइड करने के लिए। आपको रिटायरमेंट के बाद, आज एक एम्प्लॉई है जिसका 40 का एज है, उसको 10 साल काम करते वक्त हो गया, वो रिटायर करेगा सपोज 55 के बाद, तो क्या क्या चीजें आप लेके चलोगे वाइल डिसाइडिंग कि उसको कितना बेनिफिट पेमेंट मिलना चाहिए। एक्सीलेंट, लोग रिप्लाई कर रहे हैं। टाइम पीरियड ग्रेट, और उसके अलावा टाइम पीरियड के अलावा सैलरी, ओके, आज की सैलरी लेके चलेंगे या जब वो रिटायर करने वाला है उस टाइम की सैलरी लेके चलेंगे, आज की सैलरी लेके चले या जब वो रिटायर होने वाला है उस टाइम की सैलरी लेके चले, जब वो रिटायर होगा उस टाइम के आसपास की सैलरी लेके चलेंगे। और सबने बोला टाइम पीरियड सर्व्ड, टाइम पीरियड सर्व्ड। उसके अलावा फलक इज सेइंग ग्रोथ रेट ऑफ वेजेस, एक्सीलेंट, ग्रोथ रेट ऑफ वेजेस, मतलब वो तो मैंने बोल ही दिया कि आप उस टाइम की सैलरी लेके चलोगे तो सैलरी तो आपको लेटेस्ट लेके चलनी होगी रिटायरमेंट के पहले, तो आपको ग्रो करना होगा उसको। उसके अलावा एक फिक्स्ड परसेंटेज होगा कि हाँ इतने सैलरी के ऊपर आप इतना परसेंट पे करोगे, राइट। उसके अलावा एक और टर्म होती है कोला। तो बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ फोर थिंग्स। वन इज एक्रूड सर्विस पीरियड, एक्रूड सर्विस पीरियड। एक्रूड का मतलब क्या है, कितने साल आपने काम कर लिया, कितने साल आपने सर्व कर लिया, एक्रूड सर्विस पीरियड, एक्रूड सर्विस पीरियड। और ऑथर ने बोला है 5 ईयर एवरेज सैलरी। तो आपको सैलरी को ग्रो भी करना होगा, 5 ईयर एवरेज सैलरी, राइट, कॉमा, और कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसका भी एडजस्टमेंट करना है, उसको बोलते हैं कोला। ये टर्म एक्चुरियल वर्ल्ड में बहुत यूज होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, राइट। और एक फिक्स्ड परसेंटेज रहेगा से 1%, एक फिक्स्ड परसेंटेज जो एम्प्लॉयर पे करेगा, वो आपको पूरी सैलरी थोड़ा ना पे कर देगा इतने सालों की, एक फिक्स्ड परसेंटेज उस पे करेगा, फिक्स्ड परसेंटेज फॉर एन्यूटी पेमेंट्स, राइट, फेयर इनफ। चार चीजें जाएंगी, एक तो एक्रूड सर्विस पीरियड, और दूसरा 5 ईयर्स एवरेज सैलरी, तीसरा कोला कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, एंड चौथा एक फिक्स्ड परसेंटेज। किसी ने सपोज 15 साल काम किया तो 15 साल एक्रूड सर्विस पीरियड हो गया, 5 साल एवरेज सैलरी, 5 सालों का एक एवरेज सैलरी हो गया, इंटू कोला होगा, इंटू 1%, वो उसको पे किया जाएगा हर एक पीरियड में एज अ बेनिफिट पेमेंट। नाउ आप सबने बोला कि ये जो एवरेज सैलरी है, इट्स द एवरेज ऑफ
ग्रोइंग सैलरी, और ये ग्रो कैसे करेगी? ग्रो करेगी बाय वेज इंडेक्स फैक्टर। सैलरी ग्रोज बाय वेज इंडेक्स फैक्टर। वेज इंडेक्स फैक्टर, वेज इंडेक्स फैक्टर कैसे निकलेगा? वेज इंडेक्स फैक्टर इज इक्वल टू वेज फैक्टर एट जीरो इंटू वन प्लस वेज ग्रोथ रेट। फैक्टर निकालना है मुझे, तो फैक्टर इज इक्वल टू प्रीवियस फैक्टर इंटू ग्रोथ रेट। राइट और वेज ग्रोथ अगेन, वेज ग्रोथ रेट क्या होने वाला है? इज इट अ फिक्स्ड क्वांटिटी और इज इट अ मॉडलेबल क्वांटिटी? मॉडलेबल, राइट। किस तरीके से वेजेस ग्रो करेंगे? इट्स अ मॉडलेबल क्वांटिटी। तो लिख देना रिक्वायर्स सिमुलेशन जस्ट लाइक एसेट रिटर्न। Requires simulation just like asset return. ठीक है, फेयर इनफ। सबको समझ में आ गया क्या क्या मॉडल करना है? आपको ये मॉडल करना होगा, एंड ये मॉडल करने के लिए आपको वेज ग्रोथ रेट मॉडल करना होगा। तो लायबिलिटी साइड तो फिर भी इजी है, बट एसेट साइड में तो सब कुछ ही आपको मॉडल करना है। क्लियर है ये? एक्सीलेंट। आगे लिखना, आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट में, वंस वी गेट द टोटल एसेट्स एंड द टोटल लायबिलिटी एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, वंस वी गेट द टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज at each point of time, once we get the total assets and total liabilities at each point of time, we run an optimization problem. We run an optimization problem. जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? मैक्सिमाइज फंडिंग रेशियो।
बट अगर आप ध्यान से सोचो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं खाली फंडिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करने का सोचूंगा ना, तो अल्टीमेटली एक तरह से मैं रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का सोच रहा हूँ। क्या मैंने रिस्क साइड के बारे में सोचा? क्या मैंने रिस्क साइड के बारे में सोचा? लाइबिलिटी का सोच लिया, ठीक है कि मैं लाइबिलिटीज को मीट कर रहा हूँ, बट क्या मैंने रिस्क साइड का सोचा? अभी भी नहीं। मैं तो ऐसा कर सकता हूँ ना कि मैं बहुत ही रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा लूं, नो डाउट लाइबिलिटीज को मीट कर रहा हूं और उस तरीके से मेरी फंडिंग रेशियो मैक्सिमाइज हो रही है, बट स्टिल हैव आई इंट्रोस्पेक्टेड अबाउट द रिस्क साइड? नॉट येट। तो ऑथर ने बोला है मैक्सिमाइज फंडिंग रेशियो नहीं, लिखो और मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो। ब्रैकेट में एडजस्टेड फॉर रिस्क। एडजस्टेड फॉर रिस्क, यहां पे मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो आपको वर्ड दिख रहा है। इस मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो में ऑथर ने क्या किया है, फंडिंग रेशियो लिया है और साथ में रिस्क भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। जब जिसमें जाएंगे तो देखेंगे, राइट? उसके अलावा आपका चेंजिंग वेरिएबल्स क्या होगा? याद करो, सॉल्वर में अगर हम जाते हैं, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम रन करते हैं कहीं पर भी, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर हम रन करते हैं, तो मैं डेटा में जाता हूं, डेटा में जाने के बाद मैं सॉल्वर में जाता हूं, राइट? सॉल्वर, तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है, चेंजिंग वेरिएबल्स आते हैं और कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तीन चीजें आती हैं, सबको ये तीन चीजें दिख रही होंगी। वन इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वन इज द चेंजिंग वेरिएबल, वन इज द कंस्ट्रेंट। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो क्या है, मुझे मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करना है। चेंजिंग वेरिएबल्स क्या होंगे? एक्सीलेंट। वेट टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, वेट टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, राइट? और तीसरा, कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे? कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे? क्या कॉन्स्ट्रेंट्स आप रखोगे? सो एक बार प्लीज एंटर इन टू द शूज ऑफ अ फंड मैनेजर एंड थिंक एज अ फंड मैनेजर। आप सपोज अपना ही पैसा मैनेज कर रहे हो, तो आप मन में क्या क्या कंस्ट्रेंट रखोगे? आप जो कंस्ट्रेंट रखोगे वो आपके स्पेसिफिक होंगे। तो एक फंड मैनेजर जो कंस्ट्रेंट रखेगा वो बहुत स्पेसिफिक होंगे, बट उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? किसी भी एसेट क्लास में सपोज आपको 40% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, राइट? वेट इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास कैन नॉट एक्सीड 40%। आपका फंडिंग रेशियो जो है वो 0.7 के नीचे नहीं जा सकता, हो सकता है, राइट? एज पर पॉलिसी स्टेटमेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट है एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में, क्रिप्टोज में, 2% के ऊपर नहीं जा सकता, फेयर इनफ? तो वैसे कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे आपके, राइट? एग्जाम्पल लिखना कॉन्स्ट्रेंट के। एग्जाम्पल, फंडिंग रेशियो, फंडिंग रेशियो should be greater than equal to 0.7. दूसरा constraint, weight to a single asset class cannot exceed 40%.
सॉरी लेस देन इक्वल टू, फंडिंग रेशियो जो है वो 0.7 या उससे ज्यादा होनी चाहिए. वेट इन अ सिंगल एसेट क्लास कैन नॉट एक्सीड 40%. और भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे एज पर पॉलिसी. राइट, इज दिस क्लियर? टास्क क्या है समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आया? नाउ एक चीज हमारा रह गया कि जो मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो का हमने बात किया, ये क्या है? फंडिंग रेशियो एडजस्टेड फॉर रिस्क. रिस्क क्वांटिफाई करने का सबसे बेटर मेट्रिक कौन सा है? रिस्क क्वांटिफाई करने के लिए पूरी इंडस्ट्री कौन सा मेट्रिक यूज करती है? एक्सीलेंट, वैल्यू एट रिस्क. वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क क्या एक सिंगल वैल्यू से आएगा? नहीं, आपको वैल्यू एट रिस्क अगर निकालना है उसके लिए क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन. क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आती है? सिनेरियोज से, सिमुलेशन से. सिनेरियो से, सिमुलेशन से. इसका मतलब जब हम फंडिंग रेशियो निकालेंगे, मैं एक बारी कुछ रन करूंगा, अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आएंगे, अलग अलग एसेट आएगा, अलग अलग लायबिलिटी आएगा, वो तो एक सिनेरियो हो गया. जो लोग सिमुलेशंस को जानते हैं, इफ आई प्रेस F9 अगेन द एंटायर नंबर्स विल चेंज, द एंटायर सिम्युलेटेड रिजल्ट्स विल चेंज एंड अकॉर्डिंगली द आउटपुट विल चेंज, द फंडिंग रेशियो विल चेंज. ऐसे बहुत सारी सिमुलेशंस आपको करनी होंगी, तभी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा. यस और नो? तभी तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आउटपुट का. वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तभी तो वार निकाल पाओगे, और वार निकालोगे तभी तो मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो निकाल पाओगे. तो यहीं पर तो सारा चैलेंज आता है कि एक्सेल इतना ज्यादा हैवी डेटा हैंडल नहीं कर सकता. देखो दो तरह की चीजें चल रही हैं. एक तो मैं जब इसमें सिमुलेशन करूंगा, कितने साल का करके रखा हुआ हूं मैं लेके चलूंगा अराउंड 30 ईयर्स का. 30 ईयर्स का मुझे मॉडलिंग करना है फ्यूचर में, क्योंकि पेंशन फंड में तो बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाके पे करने हैं. 30 ईयर्स का मॉडलिंग करूंगा और हर एक ईयर में सपोज मेरे को 200 सिनेरियोस बनाने हैं. हर एक ईयर में 200 सिनेरियोस. तो लुक एट द वॉल्यूम ऑफ डेटा, द वॉल्यूम ऑफ मॉडल. हर एक साल में खड़े होके आपको 200-200 सिनेरियोस बनाने हैं, तो कितना बड़ा मॉडल आपका बन जाएगा. इसीलिए मैंने बोला कि ओरिजिनल मॉडल आपका मैक्रोज में बना हुआ है. बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, समझ में ही नहीं आएगा आपको. हम लोग इसका सिंप्लीफाइड वर्जन करेंगे, हम लोग 2 सिनेरियोस लेके चलेंगे सिर्फ, राइट? बट द आइडिया इज कि आपको बहुत सारे सिनेरियोस चाहिए हर एक साल पे खड़े होके, तभी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तभी तो आप वार निकालोगे. वार निकालोगे तभी तो मॉडिफाइड फंडिंग रेशियो निकलेगा, जो मुझे मैक्सिमाइज करना है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. So this is the entire task we are going to do in this 25 hours program. Let me show you the end result once. Let me show you the end result. यहाँ पर हमने क्या किया है? एक initial asset value लिया. मैं सीधा end वाला destination आपको दिखा रहा हूँ ताकि you can acknowledge कि हम लोग क्या करने वाले हैं. ये initial asset value है, ये asset के returns हैं, right? आप हर एक साल कुछ benefit payments भी करोगे. हर एक साल आप कुछ benefit payments करोगे. करोगे ना? जो जो इंप्लॉयज रिटायर हो गए हैं उसको आपको पेमेंट करना स्टार्ट करना होगा. और आप हर एक साल कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशंस भी करोगे. हर एक साल आप कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशंस करोगे तो आपके पास एसेट्स की वैल्यूज आएंगी, और आपके पास यहाँ पे लाइबिलिटीज की वैल्यू आएंगी, एक्रूड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर. तो आपके पास फंडिंग रेशियो आएगा. ऐसे हर एक साल का मैंने अगले 27 साल का फंडिंग रेशियो निकाला है. अच्छी बात क्या है? आपको दिख रहा होगा हर एक साल में फंडिंग रेशियो 1 के ऊपर आया हुआ है, 1 के ऊपर. और फिर मैंने एक पर्टिकुलर साल का फंडिंग रेशियो पकड़ा,
कि थर्ड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के एंड पे मेरा फंडिंग रेशियो क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे थर्ड ईयर के एंड में फंडिंग रेशियो को मैक्सिमाइज करना है। नाउ यू माइट क्वेश्चन कि सर हर एक साल का फंडिंग रेशियो मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर रहे। हर एक साल का नहीं, ऑथर ने बोला एक शॉर्ट टाइम पीरियड हम लोग लेके चलते हैं और वो शॉर्ट टाइम पीरियड के एंड में हम लोग चेक करते हैं हमारा फंडिंग रेशियो क्या है। तो मुझे अभी से लेकर 3 साल तक इंश्योर करना है कि मैं अच्छे से बैलेंस्ड हूं, आई हैव द सफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑल माय लायबिलिटीज, सो आई विल मैक्सिमाइज दिस फंडिंग रेशियो एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। बट दिस इज ओनली वन इंस्टेंस, दिस इज ओनली वन इंस्टेंस। अगर आप F9 प्रेस करोगे तो ये फंडिंग रेशियो तो आपका चेंज होता रहेगा, ये फंडिंग रेशियो तो आपका चेंज होता रहेगा, राइट? दिस फंडिंग रेशियो विल कीप ऑन चेंजिंग एज यू कैन सी। तो अलग अलग सिनेरियोज में ये अलग अलग फंडिंग रेशियोज आपका आएगा, वो ऐसे सिनेरियोज को स्टोर करके आपको फंडिंग रेशियो का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, फंडिंग रेशियो का एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जैसे मैंने बनाया है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन आया है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फिर एक वार निकालना होगा, वर्स्ट केस फंडिंग रेशियो वार, बिकॉज मैंने आपको बोला कि आपको खाली रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज नहीं करना, आपको रिस्क को भी इनकॉर्पोरेट करना है, राइट? एंड मैंने 3 साल के एंड में क्यों लिया, बिकॉज ऑथर ने ऐसा बोला है कि हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम लेके चलते हैं कि हाँ हमें थर्ड ईयर के एंड में देखना है कि मेरा फंडिंग रेशियो कैसा है, थर्ड ईयर के बाद वापिस से एसेट एलोकेशन को चेक करेंगे। तो फॉर टुडे लेट्स सी द फंडिंग रेशियो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, अल्टीमेटली एसेट वैल्यू तो पिछले से ही आ रहा है ना। एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज कमिंग फ्रॉम द एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज कमिंग फ्रॉम एसेट वैल्यू फ्रॉम द बिगिनिंग। सो ऑल दीज आर लिंक्ड। My main objective is to maximize this funding ratio. But when I am maximizing, I am only focusing on returns. So rather maximizing this funding ratio, I should maximize modified funding ratio, which would incorporate for risk. But risk incorporate करने के लिए आपको वार निकालना होगा. And वार निकालने के लिए आपको बहुत सारे scenarios चाहिए funding ratio के. वो सारे scenarios को निकाल के मैंने store किया है और एक distribution निकाला है जिसमें हम वार निकालेंगे. Is that clear? ये एसेट के रिटर्न्स कहां से आ रहे हैं, एसेट के रिटर्न्स, ठीक है? सी दिस कॉलम, दिस कॉलम एसेट रिटर्न्स। एसेट वैल्यू तो पिछली एसेट वैल्यू से आ रही है, बट एसेट के रिटर्न्स कहां से आ रहे हैं? एसेट के रिटर्न्स आ रहे हैं मेरे बॉन्ड फंड वाली शीट से। ये पूरी शीट हम बनाएंगे। यहां मैंने 4 एसेट्स लिए हैं, AAA 5 ईयर, BBB 5 ईयर, AAA 10 ईयर, BBB 10 ईयर, राइट? और जब इसके रिटर्न्स निकालने होंगे ना तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आएगा पिक्चर में, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, वो भी पिक्चर में आने वाला है। बिकॉज अगर कोई बॉन्ड डिफॉल्ट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपके रिटर्न्स चेंज होंगे, राइट? अगर कोई बॉन्ड डिफॉल्ट कर दिया तो रिटर्न्स अकॉर्डिंगली चेंज होंगे। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आने वाला है जो मैं मूडीज के पेपर से निकालूंगा। सब रियलिस्टिक लेंगे हम लोग, मूडीज के पेपर को मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें रीड करेंगे कि क्या हमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट लेके चलनी है, और वही यहां पे कॉपी करेंगे। कुछ भी मन से अज्यूम नहीं करने वाला, ऑल थिंग्स विल बी टेकन रियलिस्टिकली, ठीक है? तो ये आपका एसेट रिटर्न्स वहां से आएगा, इस शीट से बॉन्ड फंड। ऑब्वियसली मैंने एक एसेट प्लान लिया है जिसमें मैंने चारों बॉन्ड्स लिए हैं। आपको और एसेट प्लान, वो आपका असाइनमेंट होगा कि आप S&P को भी लेके चलो, आप गोल्ड को भी लेके चलो, आप क्रूड ऑयल को भी लेके चलो, और एलोकेशन डिसाइड करो। द कंसेप्ट्स आर एग्जैक्टली सेम, बट यू विल हैव टू मेक द मॉडल्स विद अदर एसेट क्लासेस, राइट? ये मेरा हो गया एसेट रिटर्न्स। बेनिफिट पेमेंट कितना होगा हर एक साल में, सी दिस कॉलम बेनिफिट पेमेंट। तो बेनिफिट पेमेंट कहां से आएगा? बेनिफिट पेमेंट मेरा आएगा हर एक एम्प्लॉयज के लिए बैठ के मॉडलिंग करना होगा कि उसको कितना कितना बेनिफिट पेमेंट करना है। सी दिस कॉलम बेनिफिट पेमेंट, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज 5 ईयर सैलरी इनटू नंबर ऑफ इयर्स सर्व्ड इनटू 1% इनटू कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, राइट? तो हर एक इंप्लॉई का बैठ के आप सोचो, कंपनी में अगर 1000 इंप्लॉई हैं तो हर एक इंप्लॉई का बैठ के मॉडलिंग करना पड़ता है। ये हर एक इंप्लॉई का मॉडलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज सबका रिटायरमेंट का एज अलग है, सबका डेथ का एज अलग आएगा, सबका करंट पीरियड सर्व्ड अलग है,
तो अगर मेरे 1000 एम्प्लॉइज हैं तो मुझे बैठ के 1000 एम्प्लॉइज के लिए 1000 शीट्स बनानी पड़ेंगी। मैंने इस केस में 4 एम्प्लॉइज का एग्जाम्पल लिया है, ओरिजिनल पेपर में 10 एम्प्लॉइज का एग्जाम्पल है, बट द आइडिया इज सेम, द आइडिया इज सेम। यू कैन एक्सटेंड इट टू 10,000, 1 लाख, एज मेनी एम्प्लॉइज एज यू वॉन्ट। ये आपका बेनिफिट पेमेंट आ रहा है जो हमने सीखा। प्लान कॉस्ट जो मैंने बोला, सी दिस कॉलम, जो आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करनी है हर एक साल में, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, राइट, एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, वो भी यहां से आ रहा है। हर एक एम्प्लॉय के लिए हर एक साल में कितना कितना कंट्रीब्यूट करना होगा। दिस इज फॉर एम्प्लॉय ID 7, दिस इज फॉर एम्प्लॉय ID 8, दिस इज फॉर एम्प्लॉय ID 9, दिस इज फॉर एम्प्लॉय ID 10। दिस इज माई प्लान कॉस्ट। उससे आपका एसेट प्रोजेक्शन आएगा, फिर आपका लायबिलिटी आएगा, एक्रूड लायबिलिटी। एक्रूड लायबिलिटी अगेन कहां से आ रहा है? सी दिस कॉलम, डायनेमिक पीबीओ, डायनेमिक पीबीओ। ये अगेन कहां से आएगा? आईडी वाइज आएगा, आईडी वाइज पीबीओ। पीबीओ मतलब एक्रूड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और ये सब मॉडलेबल है, सब मॉडलिंग हो रही है, राइट। एंड देन आपका आएगा फंडिंग रेशियो। इज द आइडिया क्लियर गाइज? आइडिया क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा ऑथर ने बोला है कि आप सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करोगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब मैं ड्यूरेशन निकालूंगा एसेट्स का, ड्यूरेशन निकालूंगा लाइबिलिटीज का, और मुझे ये भी इंश्योर करना पड़ सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटीज, राइट, दैट कैन बी केप्ट एज अ कंस्ट्रेंट। Or maybe you can decide your allocation in such a manner such that you match the duration and convexity. अभी हम लोग allocation किस तरीके से कर रहे हैं? By maximizing the funding ratio. अगर मैं allocation इस तरीके से करता हूं, मेरा objective function ये है, मुझे इस तरीके से allocation करना है कि मेरा duration of asset is equal to duration of liability हो, मेरा convexity of asset is equal to convexity of liability हो. Can't it be a objective function? क्या ऐसा objective function नहीं हो सकता? हो सकते हैं, यस yes, इसको बोलते हैं लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो। कि मैं सिर्फ लायबिलिटी को रेप्लिकेट करने का सोच रहा हूं, क्या इसमें मैं रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने का सोच रहा हूं, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का सोच रहा हूं? नहीं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैं सिर्फ यह सोच रहा हूं कि मेरी लायबिलिटी को मैं रेप्लिकेट कर पाऊं। लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, करेक्ट। इम्यूनाइजेशन, सचिन हैज गिवन द करेक्ट टेक्निकल वर्ड, इम्यूनाइजेशन। तो यह भी तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सेंसिटिविटी एनालिसिस, आपको ड्यूरेशन निकालनी होगी, कन्वेक्सिटी निकालनी होगी। तो मैंने वो भी निकाली है, ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी, इंटरेस्टेड को शॉक अप किया, शॉक डाउन किया, अकॉर्डिंगली हम लोग ड्यूरेशन निकालेंगे, कन्वेक्सिटी निकालेंगे, राइट। सो बट दिस काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज विल बी फॉर अ लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो। दो एक्सट्रीम साइड है, दो एक्सट्रीम साइड, ठीक है। कौन सी एक्सट्रीम साइड? एक बार दिखा रहा हूं, दो एक्सट्रीम साइड है आपकी, दो एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। वन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कि सिर्फ रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करो, दिस इज योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ओनली फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ओनली इम्यूनाइज, क्रिएट अ हेज्ड पोर्टफोलियो सच दैट यू आर एबल टू रेप्लीकेट योर लाइबिलिटीज। इम्यूनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड कन्वेक्सिटी ऑफ एसेट इज इक्वल टू कन्वेक्सिटी ऑफ लाइबिलिटी। तीसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है जो दोनों के मिडल में है, विच इज कॉल्ड लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, जो हम कर रहे हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज करने का सोच रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं लाइबिलिटीज को भी मीट करने का सोच रहा हूं, राइट जब मैंने फंडिंग रेशियो निकाली तो मैंने दोनों ऑब्जेक्टिव को मीट कर लिया, यस और नो? यस। अगर मैं खाली रिटर्न्स के बारे में सोचता
तो उस केस में मेरा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता। अगर मैं खाली इम्यूनाइजेशन करने के बारे में सोचता तो उस केस में मेरा सिर्फ हेजिंग ऑब्जेक्टिव होता। बीच में जो एक मिडल बात होता है उसको बोलता है लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, LDI। जो लोग CFA L3 कर रहे हैं या करेंगे, CFA L3 में LDI आता है, बट वहां सिर्फ टच करके छोड़ के निकल जाते हैं, राइट? मॉडलिंग नहीं सीखते हैं उसकी। तो LDI क्या है? इट्स अ मिडल पाथ बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द हेजिंग ऑब्जेक्टिव। दैट इज आई एम मैक्सिमाइजिंग माई रिटर्न, एट द सेम टाइम आई एम फोकसिंग ऑन मीटिंग ऑल माई लाइबिलिटीज। इज दैट क्लियर? और मैं बोल रहा हूं, जो आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं उसको आप कंस्ट्रेंट में भी यूज कर सकते हैं। आपको लाइबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो नहीं करना, मत कीजिए, बट यू कैन यूज दीज सेंसिटिविटीज, ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी इन कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल। वो आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो एक बार एंड नोट लिखते हैं, फिर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। आज कुछ मॉडलिंग में अपने जा नहीं पाए बिकॉज एक नाइस ओवरव्यू में अपने को टाइम लग गया। कल अपने मॉडलिंग में जाएंगे। जैसे मैंने बोला, सैटरडे संडे अपना सेशन होगा और उसके बाद एवरी ऑल्टरनेट डेट। बीच में कुछ डेट्स चेंज हो सकती है बिकॉज आई हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स, वो मैं आपको अकॉर्डिंगली पहले से ही शेड्यूल दे दूंगा उसका, ठीक है? लिखो एक बारी आगे, नोट डाल के लिखो। नोट डाल के लिखना। अ फंड मैनेजर कैन हैव three objectives, ऐसे एरो करके ड्रॉ कर देना तीनों। लेफ्ट साइड पे लिखना हेजिंग ऑब्जेक्टिव, राइट साइड पे लिखना ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और बीच में लिखना LDI ऑब्जेक्टिव। और ये PPT मैंने आपको बोला है कि मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल दिया है, डालूंगा नहीं, डाल दिया है, राइट? तो लिखना तीन ऑब्जेक्टिव है, लेफ्ट साइड पे हेजिंग ऑब्जेक्टिव, राइट साइड पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एंड बीच में LDI ऑब्जेक्टिव। हेजिंग ऑब्जेक्टिव में लिखना क्रिएट एन इम्यूनाइजेशन पोर्टफोलियो, ब्रैकेट में लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, क्रिएट एन इम्यूनाइजेशन पोर्टफोलियो, ब्रैकेट में लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो, क्रिएट एन इम्यूनाइजेशन पोर्टफोलियो, ब्रैकेट में लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो। और राइट साइड में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में लिखना मैक्सिमाइजिंग द एसेट रिटर्न्स विदाउट लुकिंग एट लायबिलिटीज, मैक्सिमाइजिंग द एसेट रिटर्न्स विदाउट लुकिंग एट लायबिलिटीज। बीच में LDI ऑब्जेक्टिव में LDI का फुल फॉर्म लिख दो, लायबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स। उसमें लिखना फोकसेस टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। देखो, लायबिलिटी तो मीट करनी है बट उसके साथ साथ रिटर्न्स को भी मैक्सिमाइज क्यों ना करें। Focuses to get the best of both worlds. That is, ensure that asset follows liability. To ensure that asset follows liability. And at the same time, maximize the asset returns.
and at the same time maximize risk adjusted asset returns and at the same time maximize risk adjusted asset returns. ये ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव में भी रिस्क एडजस्टेड एसेट रिटर्न्स कर देना, वहां पर ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा ना एसेट रिटर्न्स, उसको भी रिस्क एडजस्टेड एसेट रिटर्न्स कर दो, और एलडीआई में भी एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमाइज रिस्क एडजस्टेड एसेट रिटर्न्स. ठीक है, हेजिंग ऑब्जेक्टिव में एक और चीज लिखना, for immunization we create sensitivities, for immunization we create sensitivities, for immunization we create sensitivities like duration comma convexity, like duration comma convexity. ठीक है, तो ये आपका पूरा फ्लो हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में. एक और चीज लिखवाना चाहता हूं, मैंने एसेट साइड बताया, लायबिलिटी साइड बताया. एसेट साइड में हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग बहुत सारी एसेट क्लासेस लेके चलेंगे. मैं कौन सी एसेट क्लास लेके चलूंगा वो बता रहा हूं आपको. और लायबिलिटी साइड में हम लोग 4 एम्प्लॉइज का एक पेंशन प्लान लेके चलेंगे. तो लिख देना नोट डाल के अलग से. On the asset side, we will consider various asset classes. On the asset side, we will consider various asset classes out of bonds, equity, REITs, crude oil, gold, commodities. For macroeconomic factor modeling, full stop डाल के, for macroeconomic factor modeling, we will consider factors like unemployment. consumption, default rates, trade spread, inflation, interest rates. GDP growth rate. Next line में on the liability side, we will consider a pension plan of up to 10 employees. On the liability side, we will consider a pension plan of up to 10 employees. ठीक है, करने को उसको 1000 employees पे स्ट्रेच कर सकते हो, बट हम लोग 10 employees का लेके चलेंगे. ठीक है, तो लास्ट में बस एक रोड मैप देख लो जल्दी से. इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिनेरियो जनरेशन. जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मॉडलिंग करनी है ना,
इसको रियल लाइफ में बोला जाता है इकोनॉमिक सिनेरियो जनरेशन। तो हम लोग इकोनॉमिक सिनेरियोस जनरेट करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, डिफॉल्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट स्प्रेड, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट का। इस साइड पे आपका आ गया एसेट रिटर्न्स। एसेट रिटर्न्स में बॉन्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, कमोडिटी, प्राइवेट इक्विटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आपको वेज ग्रोथ रेट भी मॉडल करना है, और बॉन्ड फंड रेट रिटर्न्स थोड़ा अलग से मॉडल होता है, बिकॉज उसमें आपको डिफॉल्ट की मॉडलिंग भी करनी है, उसको उसमें आपको रेटिंग डाउनग्रेड्स की मॉडलिंग भी करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्ड फंड रिटर्न्स अलग से क्यों लिखा है, बिकॉज यू हैव टू डू एडजस्टमेंट टू द बॉन्ड एसेट्स फॉर डिफॉल्ट एंड रेटिंग माइग्रेशंस। फिर आपको कर्व फिटिंग भी करनी होगी। कर्व फिटिंग क्यों, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए टिल नेक्स्ट 50 ईयर्स, बट क्या नेक्स्ट 50 ईयर्स का कर्व आपके पास है, नहीं। नेक्स्ट 50 ईयर्स के रेट आपके पास है, नहीं। तो उस केस में आपको कर्व फिटिंग भी करना होगा। तो कर्व फिटिंग कैसे करते हैं वो आप सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लान प्रोजेक्शन आ गया, प्लान लायबिलिटी, प्लान कंट्रीब्यूशंस, प्लान एसेट और लायबिलिटी रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो उस केस में आप सेंसिटिविटीज मैच करोगे। देन आपका आ गया ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में आप एज पर द रिस्क एपेटाइट, एज पर द कंस्ट्रेंट्स, आप डिसाइड करोगे आपको एलोकेशन कैसे करना है, और आप एक एफिशिएंट फ्रंटियर भी बनाओगे। लेट मी शो यू, जैसे ऑथर ने यहाँ पे बना के दिया हुआ है एफिशिएंट फ्रंटियर, मतलब हर एक एसेट क्लास का फंडिंग रेशियो क्या है और कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्क क्या है, ऐसा फंडिंग रेशियो हम भी बनाएंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर, राइट। सो इज द एजेंडा क्लियर गाइस, कैन वी क्लोज फॉर टुडे? यस, सारा चीज मैंने आपको बोला है। जैसे वेबसाइट में अगर आप जाएंगे पैकेजेस के अंदर, QFM के अंदर, तो आपको यहाँ चार मॉड्यूल्स दिखेंगे, और चार मॉड्यूल्स में कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस में मैंने क्लास नोट्स डाल दिए हैं आज के, वर्कबुक्स अभी तक कुछ नहीं डाली है बिकॉज आज हम वर्कबुक में काम नहीं कर पाए हैं, असाइनमेंट मैंने डाल दी है, फर्स्ट असाइनमेंट जो आपके लिए है, ये अभी आपको नहीं करनी आज, ये आपको कल के सेशन के बाद करनी है, और यहाँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, राइट। और जैसे ही मैं आज का वीडियो अपलोड कर दूंगा, यहाँ आपको वीडियो प्लेयर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी पीक्स टू टेल्स के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपका वही प्लेयर चलेगा, उसमें आपको एक नया कोर्स दिखेगा QFM का, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा लगा सेशन? आर यू लाइकिंग द स्टफ, द एंटायर स्टफ? एक्सीलेंट। तो लेट्स मीट टुमारो 11 AM, कल 11 बजे वापिस से मिलते हैं। कल अपना पूरा हैंड्स ऑन रहेगा, तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास एक्सेल का अच्छा वर्जन हो, एटलीस्ट 2013 ऑनवर्ड्स ही यूज कीजिए, 2013 ऑनवर्ड्स, उससे नीचे वाला मत यूज कीजिए, राइट, बिकॉज वो फास्ट है, ज्यादा नंबर ऑफ रोज को हैंडल कर पाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट टुमारो एट 11 AM, आई विल शेयर द मीटिंग लिंक। थैंक यू गाइस।